सब लोग हमें ही देखा देख रहे थे, हम लोग इतना स्पेशल है, ध्यान देना वो पीछे यो यो। सो हे गाइस, मैं सारिफ जी हैं बैक विथ न्यू व्लॉग। तो आज हमारा व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग तो सारे व्लॉग होते हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये व्लॉग है जो कि हम लोग मेरे घर से काफ़ी दूर है, पिपरा घाट एक पड़ता है जो कि काफ़ी सुनसान जगह है और वहाँ पे जाना मज़ा आएगा कि वहाँ पे एकदम सन्नाटा होगा तो वहाँ पे घूमने मज़ा आएगा। मेरे साथ पीछे देख सकते हो मेरे दो दोस्त, आज मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। इस बार पर मैं साइकिल से हूँ तो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, साइकिल से हम लोग 5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, कैंटीन पड़ता है तो हम लोग सिंपली जाएंगे, जगह एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लोग रास्ते में बाद में हम लोग मिलते हैं। तुम जैसा देख सकते हो मैंने अभी यहाँ पे तेलीबाग का चौराहा क्रॉस किया है, तो अभी भी हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा क्योंकि काफ़ी अभी दूर है। अभी हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो तेलीबाग का हनुमान मंदिर हमने क्रॉस किया। हमें बस ब्लॉग शूट करते रहना है, अपने ऊपर जान देना वो पीछे यो यो। तो हमारा स्टार्टिंग में फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ा लग रहा है, आगे ही बढ़ता रहेगा। तो अभी अगर तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तो गाइस थोड़ा हम लोग यहाँ पे ये कैंट एरिया का भी स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एरिया है, तो यहाँ पे सिंगल रोड है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सोच थोड़ा बचाव करना पड़ता है, कभी भी टक्कर हो सकती है गाड़ियों से तो हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि सिंगल रोड है। तो हम लोग कम ही यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आगे से कैंट एरिया में कोई डर नहीं है, हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी के लिए थोड़ा वेट करो। तो हमें सिंपली राइट साइड वाले से जाना पड़ेगा, तो इस साइड जैसा अगर तुम लेफ्ट साइड अगर जाते तो उस साइड हम लोग चार बाग के सीधे रास्ता निकलता है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे राइट साइड लिया है, यहाँ से भी रास्ता जाके आगे जाके फिर लेफ्ट साइड थोड़ा टर्न करेंगे तो हमें वापस वही रास्ता मिल सकता है, पर हमें इधर से ये सीधे रास्ता पकड़ते हुए जाना है। तो अभी तुम जैसे मेरे दोस्त भी आगे निकल चुके हैं, थोड़ा मैं रिकॉर्ड करने लगा वीडियो रास्ता दिखाने के लिए। तो यहाँ से तुम्हें काफ़ी कैंट एरिया में आने के बाद काफ़ी शांति मिलेगी, काफ़ी ठंडा भी मिलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेड़ है इसकी वजह से काफ़ी ठंडा भी महसूस होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा और भी हम लोग अभी 1-2 किलोमीटर और बाकी होगा मेरे हिसाब से, तो अभी हम लोग चलते हैं तो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने दोस्तों के पास आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमें सिंपली आगे जाने के बाद हमें 4-way मिलेगा, तो हमें उसमें एक बार आगे मुझे पता नहीं है व्यवस्था क्या किधर जाता है, तो आगे ये जो हमें एक भाई दिख सकते हैं आगे वाले तो वो बताएंगे कि हमें किधर जाना है। ये लोग इस साइड गए तो हम भी थोड़ा रूल फॉलो करते हुए हम भी डायरेक्ट यहीं से क्रॉस करते हैं, हम लोग जाएंगे घूम के। तो ये इधर हमारा रास्ता मिल जाता उधर, पर हम लोग इस साइड जाएंगे राइट साइड ही। बन गया तू क्या? यहाँ पे आर्मी पर्सन खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे अंकल ने रोका नहीं, थोड़ा यहाँ पे सख्त पहरा होता है, सख्त पहरा होता है तो किसने रोका नहीं। टाइम बताओ, रुक जा रुक जा। हाँ लोग आ गए, थोड़ा वहाँ पे अंकल ने टाइम पूछा, हमने बता दिया। अभी वैसे बता दूँ कि 6:14 हो रहा है मॉर्निंग टाइम, अक्सर हमारा ब्लॉग होता है मॉर्निंग टाइम, और आज बता दूँ संडे है,
तो मैं अक्सर संडे को ही ब्लॉक करता हूँ, तो उस इस दिन छुट्टी रहता है, कुछ काम नहीं रहता है, तो सिंपली सुबह जल्दी उठो और ब्लॉक शूट करने निकल जाओ। तो मैं कंटिन्यू संडे को ही ब्लॉक करता रहूँगा, ट्राई करता रहूँगा, वैसे कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू रहूँ। पर अभी हम लोग जस्ट थोड़ा अभी और लगभग 1 किलोमीटर अभी बाकी है, हम लोग पहुँचने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पे हम लोग रेस्ट के लिए रुके हैं, पीछे देख सकते हो वहाँ पे एक वो पानी पीने के लिए बस थोड़ा रुका था वहाँ पे पानी। यहाँ पे एरिया में तुम्हें काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी, एकदम मस्त जगह है, तुम यहीं पे आके। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से, 15 मिनट हो चुका अभी तक रुके हैं, तो चलना है कि नहीं आगे? 15 मिनट हो चुका है, 15 मिनट रेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आर्मी सिक्योरिटी टाइट है। तो क्या करें, आगे से लेट्स गो मेडिकल क्रॉप सेंटर। तो वहां पे किसने जाने दिए? संदीप भैया आप बताओगे कुछ? अच्छा, तो यहाँ पे जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पे उस साइड से हमें जाने नहीं दिया क्योंकि मॉर्निंग टाइम में बस वॉकिंग अलाउ है, हमें साइकिल से मना था जाना। और यहाँ पे तुम देख सकते हो APS सेकेंड आर्मी पब्लिक स्कूल सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा हल्का धूप भी आ चुका है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया था APS 2 सेकेंड पार्ट। तो पूरे कैंट एरिया में सिंपली 3, लखनऊ में अगर ये देखा जाए तो पूरे लखनऊ में आर्मी पब्लिक 1, आर्मी पब्लिक 2, आर्मी पब्लिक 3 और केंद्रीय विद्यालय है। तो ऐसे ही हम लोग कैंट एरिया में जितना भी स्कूल है तुम्हें आर्मी स्कूल मिलेगा। तो मैं जो जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो आर्मी पब्लिक स्कूल 3rd पार्ट है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा फिर केंद्रीय विद्यालय मिलता है, नाम तुम देख सकते हो, थोड़ा तुम्हें उल्टा दिखेगा ये कैमरा में। और यहाँ पे तुम्हें पीछे सिंपली यहाँ पे क्वार्टर मिलेगा, फैमिली क्वार्टर आर्मी के लिए, आर्मी के लोगों के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे भी आगे बंद है, अब हम लोग दूसरा रास्ता देखेंगे। तो यानी कि गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पे जितने भी, मतलब अभी हम लोगों ने 2 रास्ता देखा, मुझे कुछ पता नहीं है, मेन जो आगे पर्सन जा रहा है उसे तो सब पता है, तो उसी हिसाब से हम लोग चलते जा रहे हैं। 2 रास्ता भी हमने देखा जो कि बंद था, आगे जाना नहीं, उधर उधर से हम लोग जाते हैं। सभी बता रहे कि अभी एक और रास्ता है, तो हम लोग एक बार उससे उधर से जाके देखते हैं। तो थोड़ा चलते रहते हैं, इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोग पहले उस साइड से आए थे, आप लोग इस साइड गए थे, तो इस बार हम लोग सीधे जाएंगे, ये सीधे रास्ता पकड़ा। और यहाँ पे आप तुम सिंपली देख सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल SP मार्ग लखनऊ। तो एक नेहरू मार्ग पे है और एक लाल बहादुर मार्ग पे है। तो ऐसी जितने भी APS 3, मतलब APS के स्कूल है, सब ऐसी रोड के नेम पे रखा गया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वेपन TRG एरिया, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे रोड पे तुम कितना देख सकते हो शांति, कितना मस्त लग रहा है, एकदम शांति, इस साइड भी शांति, इस साइड भी शांति। ऐसे ही वो जो वेपन है, वेपन एरिया जो था, ये ट्रेनिंग आर्मी लोगों का ट्रेनिंग का एरिया था, और श्री कृष्ण मंदिर।
यहाँ पे तुम देख सकते हो बंदरों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है, वो कभी भी झपट सकते हैं और तुम्हें नोच सकते हैं। तो एक ये रहा हमारा तो अब यहाँ पे हम लोग ने नंबर 2 मिलिट्री ट्रेनिंग बटालियन क्रॉस किया, तुम देख सकते हैं। और अभी भी हम लोग चलते जा रहे हैं।